हेलो नीट कैंडिडेट, वेलकम टू माय चैनल। यूपी स्टेट ने आयुष कोर्सेज के सेकेंड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें जो सेकेंड राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो 16 अक्टूबर 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा और उसका जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर 11 AM तक। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट को सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो, इसके लिए जो डेट दी गई है वो भी 16-18 अक्टूबर 4 PM तक है, यानी 10 AM से 4 PM के बीच में आप लोग अपना सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही होगा, 16 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर 10 AM टू 5 PM के बीच। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी कैंडिडेट्स को अपलोड करने होंगे। 16 टू 18 अक्टूबर का ही वो टाइम है, 11 AM तक आप लोग इसमें सबमिट कर सकते हैं। फिर वेरिफिकेशन होगा, देन एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट आएगी 19 अक्टूबर को 12 नून के बाद, यानी कि दोपहर में 12 बजे के बाद आएगी। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए डेट दी गई है 19 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर, ये 2 PM से स्टार्ट हो जाएगी और 21 अक्टूबर आप लोग 11 AM तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर इसमें जो इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 21 अक्टूबर को 3 PM तक आ जाएगा। फिर जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो लोग नोडल सेंटर पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का फिज़िकल एक वेरिफिकेशन कराएंगे 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 10 AM टू 6 PM के बीच में। उसके बाद कैंडिडेट्स अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन करने का भी डेट इसमें बताया गया है। तो 22 अक्टूबर से लेकर आप 25 अक्टूबर 5 PM तक ये दोनों प्रोसेस करेंगे, एक तो अलॉटमेंट लेटर का डाउनलोडिंग और साथ में आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग से रिलेटेड सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और इस राउंड में जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेंगे अगर वो अपग्रेडेशन के लिए अपना विलिंगनेस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। उस पर बताई गई हैं डेट्स 25th अक्टूबर टू 26th अक्टूबर, आप लोग 10 AM तक इसमें अपना दे सकते हैं विलिंगनेस कि आपको अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या नहीं। इस अपग्रेडेशन का जो रिज़ल्ट है वो 26 अक्टूबर को 1 PM तक आ जाएगा। इसके बाद नोडल सेंटर पर आपको फिर से जाना होगा अगर आपको अपग्रेडेशन के बाद कोई न्यू कॉलेज अलॉट होता है, तो अपग्रेडेड कैंडिडेट्स को फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने होंगे और नोडल सेंटर पर उनका वेरिफिकेशन कराना होगा 28 अक्टूबर को 9 AM टू 5 PM के बीच में, ये आपको प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। फिर अगर कैंडिडेट्स को कोई अपग्रेडेशन हुई है तो वो अपग्रेडेड अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और साथ में अपने अपग्रेडेड जो आपको कॉलेज मिला है, अलॉटमेंट हुई है न्यू कॉलेज की, वहाँ पर जाकर आपको अपना एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा 28 अक्टूबर टू 38 अक्टूबर 5 PM तक। तो ये पूरा शेड्यूल है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई गई हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी तो वो इस राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो बताई गई है upayushcounseling.upsdc.gov.in। सेकेंडली, ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो वो सेकेंड राउंड में कर सकते हैं, उनको इसके लिए कोई अलग से कुछ भी अमाउंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, जो भी डेट बताई गई है उसमें जाके आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट राउंड से एडमिशन मिला है और अगर वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड से एडमिशन लिया है और वो रीशफलिंग के लिए देख रहे हैं, यानी कि कुछ अपग्रेडेशन के लिए देख रहे हैं किसी अदर कॉलेज के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें उनको ये एडवाइस किया गया है कि आप जब चॉइस फिलिंग करें तो जिस कॉलेज में ऑलरेडी आपको एडमिशन मिल चुका है उसको फिल ना करें, क्योंकि अगर मान लीजिए सेम कॉलेज फिर से आपको अलॉट होता है तो फिर से आपको एडमिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कराना होगा, यानी कि नोडल सेंटर जाना पड़ेगा तो ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो वो कॉलेज ना डालें। और अगर
इस रीशफलिंग में, यानी कि अपग्रेडेशन में कोई अगर न्यू सीट अलॉट होती है तो जो पहले से अलॉटेड सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और उस पर कैंडिडेट का कोई भी राइट नहीं रहेगा, यानी कि फिर आप उस सीट को खो देंगे तो उस पर कोई आपके राइट्स नहीं रहेंगे, तो वो सीट कैंसिल मानी जाएगी और वो किसी और कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। और जैसे फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन हुआ था वैसे सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन की प्रोसेस होगी, जो कि मैंने आपको शेड्यूल में भी बताई है। अगर कैंडिडेट इसमें एडमिशन नहीं लेता, इस राउंड में मान लीजिए आपको सीट अलॉट होती है, आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर ली जाएगी, यानी कि वो जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 है और प्राइवेट के लिए 50,000, तो ये अमाउंट जो है फॉरफिट हो जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे। जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उनमें जो OBC NCL वाले कैंडिडेट्स हैं और जो EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा, उनके पास होना चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2004 2024 की डेट का हो या इस डेट के बाद का हो, ये होना चाहिए, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी में जो सब कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो कैटेगरी है वो वेरीफाई नहीं होती, तो जो भी आपकी रेलिवेंट कैटेगरी होगी आपको उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी का जो वेरिफिकेशन है वो जब आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए नोडल सेंटर पर जाएंगे तो वहीं से ही आपका वहाँ से वेरीफाई होगा। तो जो भी जब भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट बताई गई है तो उसमें आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर वहाँ जाना होगा। अगर मान लीजिए उन डॉक्यूमेंट से आपकी कैटेगरी वेरीफाई नहीं होती है तो आपका जो भी अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपकी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। तो यही पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है और ये शेड्यूल है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।